डॉक्टर्स ने जनहित की बात करते हुए अस्पताल की पार्किंग और रैन बसेरा इलाके पर क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा हुआ तो सभी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में तब्दील हो जाएंगी और इससे मरीजों और उनके परिजनों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय के अंदर पार्किंग में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का डॉक्टरों ने विरोध किया है। डॉक्टर एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंप कर कहा, पार्क रैन बसेरा पार्किंग हट जाने से बड़ी परेशानी होगी। बताते हैं, जिला चिकित्सालय सह ट्रॉमा सेंटर के सामने क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण हेतु जो जगह दी गई है, वहां पार्क, पुलिस कंट्रोल रूम, रैन बसेरा पार्किंग, जंग रूम है। यदि इन सब को हटाकर क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया गया तो मरीजों तथा तीमारदारों को काफी दिक्कतें होंगी। इस संबंध में डॉक्टर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर व क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपा है। इसमें देखिए, जैसे आज ही मेरे को संज्ञान में आया, मेरे को जानकारी मिली कि क्रिटिकल केयर एक जिला चिकित्सालय जो ट्रामा सेंटर के आसपास बनना चाहिए, उसका मैं कोई विरोध नहीं करना हो, बनना चाहिए। अगर बन जाएगा क्रिटिकल केयर तो यहाँ पे सिंगरौली वासियों को जो बाहर जाना पड़ता था उनका यही इलाज होगा, यही ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ये बनना चाहिए। लेकिन इसके इस स्थान पर जो अपना जिला चिकित्सालय है ट्रामा सेंटर, ये अपन पार्किंग का जगह है, पार्क है, यहाँ पर टहलने वहलने का जो ओपन एरिया है, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। ये अपन इसके जगह पे और कहीं शासकीय भूमि हो वहाँ इसका निर्माण कराया जाए। या इसके अलावा कल जैसे मेरे को जानकारी मिली तो अल्ट्रासाउंड में बताया कि अपनी PIO से रिपोर्ट मंगा लिए हैं, इसके अस्पताल के ऊपर वाले जो बिल्डिंग है तीसरे फ्लोर पे, वहाँ भी बन सकता है, वहाँ भी बनवाया जा सकता है। ये शासन की तमाम ज़मीनें हैं आसपास, अभी तो आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता जैसे समाप्त हो जाएगी इसके बाद मैं नगर निगम इस मुद्दे को उठाऊंगा और परिषद में बात रखूंगा, कलेक्टर साहब से भी बात रखूंगा और नगर निगम से भी बात करूंगा। इसके सामने भी नगर निगम की ज़मीन और नगर निगम से हम कलेक्टर साहब से बात करके, आयुक्त महोदय से बात करके और बहुत गंभीरता से इस विषय को लेकर परिषद में अपनी बात को रखकर और नगर निगम से ज़मीन को मैं दिलवाने का प्रयास करूँगा कि जो सामने जो ज़मीन पड़ी है नगर निगम की, तो ये यहाँ पर ओपन जगह है जो, तो यहाँ पर न बने, ये पार्क वगैरह को ये न हटाया जाए, इसको न तोड़े, उसके बगल में बन जाए या इसमें तीसरे फ्लोर पर बन जाए, लेकिन बनना चाहिए। देखिए, मैं CCU बनाने का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक तो अस्पताल परिसर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ गरीब आदिवासी मध्यम वर्गीय लोग आते हैं इलाज के लिए, हॉस्पिटल के अंदर भी उन्हें बैठने के लिए नहीं दिया जाता है, बेचारे के पास खुद ही खाने की समस्या रहती है। मरीजों के जो परिजन हैं वो यहाँ के पार्क में आते हैं, रात में भी आप देखेंगे यहाँ कंबल फल बिछा करके पार्क में सोए रहते हैं, एक तो उन्हें भी जगह नहीं मिल पाएगा, खुला वातावरण यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और CCU अगर बनाना भी है तो अस्पताल के जस्ट सामने काफ़ी शासकीय ज़मीनें हैं जिसे माननीय कलेक्टर साहब चाहें तो अस्पताल के नाम से आवंटित करवा सकते हैं और उसमें CCU बनवाया जाए, जस्ट आमने सामने रहेगा, एक तरफ नॉर्मल पेशेंट भी रहेंगे, सामने क्रिटिकल पेशेंट भी आ सकते हैं। तो मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ। पब्लिक को रहने के लिए भी जगह नहीं है, वो आप देखेंगे अभी भी दोपहर का समय है, यही पार्क में आधे से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अगल बगल खाना बना रहे हैं, तो वो भी जगह ख़त्म हो जाएगा, वो जाएंगे कहाँ, उनको एक रैन बसेरा की तरह ये खुला आसमान मिला हुआ है छत के नीचे गार्डन, ये ख़त्म हो जाएगा, इससे आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा ट्रामा सेंटर अस्पताल है, अगर डेवलपमेंट करना भी है तो काफ़ी जगह यहाँ पास खाली है, स्पेस है, उन्हें भरा जाए, वहाँ आधुनिक मशीनें लाई जाएँ ताकि जो समान पेशेंट भी आज हमारा यहाँ आता है, यहाँ से नेहरू उनको रेफ़र कर दिया जाता है या बनारस रेफ़र कर दिया जाता है या फिर रीवा जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ आधुनिक मशीनों को लाया जाए, डॉक्टर्स को बढ़ाया जाए, अच्छे डॉक्टर्स आएँ ताकि गरीबों का इलाज अच्छे से हो सके, उन्हें बाहर न जाना पड़े, परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारे जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए प्रपोज हुआ था, तो उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि जो जो हमारे जिला अस्पताल की बाउंड्री है उसके बाहर जगह दी जाएगी और बनाया जाएगा, जो कि सही था, लेकिन अभी दो तीन दिनों से यहाँ पे धकते चालू हुई हैं और आज से एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, तो हमें पता चला कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर ही जो हमारा पार्क, पार्किंग स्पेस, पुलिस सहायता केंद्र और ये सभी जगह हैं, उन सभी को हटा के यहीं पे क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और इस बात की जानकारी हम डॉक्टर्स को और स्टाफ को नहीं थी, तो हम सभी ने हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल केयर यूनिट है वो तो बनना ही है, बहुत ज़रूरी है वो, लेकिन वो हमारे ट्रॉमा सेंटर की बाउंड्री के बाहर जो जगह खाली है वहाँ पे उसको ज़मीन दे के बनाया जाए, जिससे कि उसके लिए भी पार्किंग की दिक्कत ना हो और हमारे ट्रॉमा सेंटर के लिए भी जो ऑलरेडी
पार्किंग स्पेस की शॉर्टेज हो रही है, इसके बन जाने के बाद और ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी पार्किंग स्पेस की। और हमारा लक्ष्य कायाकल्प एनक्वायर्स के अकॉर्डिंग जो ये गार्डन है वो बहुत ज़रूरी है अस्पताल कैंपस में होना, वो भी हट जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर की बाउंड्री के बाहर नज़दीक ही जो ज़मीनें सारी खाली हैं वहाँ पर ज़मीन दे के क्रिटिकल केयर यूनिट को बनाया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।